हाय एवरीवन, वेलकम टू शिवूज किचन। हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गैस पे चढ़ा दूंगी मैं एक बर्तन। बर्तन को थोड़ा सा गर्म हो जाने पर इसमें डालूंगी मैं एक बड़ा चम्मच देसी घी। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो चुका होगा, अब हम इसमें डालेंगे अपनी सेवई। तो जी हाँ, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी टेक्सचर वाली सेवई खीर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है और झटपट से तैयार भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सेवई को धीरे धीरे करके उलट पलट करते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कच्ची सेवई ली थी, अगर आप भुनी हुई लें तो आपको उसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे सेवई मेरी भुन चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध में इसका बहुत ही अच्छा सा एक क्रीमी टेक्स्चर आता है सेवई खीर में। तो धीरे धीरे करके हम दूध को सेवई के साथ उबल जाने देंगे। धीरे धीरे हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, तभी हमारी सेवई बहुत अच्छी बनके तैयार होंगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी झटपट एक उबाल में ही बनके तैयार भी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे चला रही थी, सेवई हमारी बनके हो गई हैं तैयार। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम खाएं तो आप कम डालें, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चीनी को हम पका लेंगे थोड़ा सा घुल जाने तक। तो सेवई तो हमारी पक चुकी थी, बस 2 से 3 मिनट हमें चीनी को भी घुल जाने देना है। ड्राई फ्रूट अब इस समय पे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी फ्राई करके। तो मैंने एक तड़का पैन में ले लिया है थोड़ा सा देसी घी, और उसमें ले लिया है मैंने कटे हुए कुछ काजू, बादाम, किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के बाद ही मैं सेवई में मिलाऊंगी। तो देखिए, सेवई को मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में, और ऊपर से जो मैंने फ्राई किए थे देसी घी में ड्राई फ्रूट्स, वो भी मिला लिए हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सेवई खीर हमारी झटपट से बनके हुई है तैयार। तो आप भी इस तरह से सेवई खीर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी लगती है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार भी हो जाती है। और अगर आपको हमारी ये सेवई खीर की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे मिलेंगे अच्छे से एक नई और रेसिपी पे।